नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बरेली में 200 साल पुराने इमामबाड़े को तोड़ने का आदेश हुआ निरस्त। जो लोग इमामबाड़े को तोड़ाना चाहते थे उनका मंसूबा हुआ नाकाम। सभी मोमोनीन और सरकार की मदद से श्री मोहसिन रजा नेता भारतीय जनता पार्टी ने बरेली में प्राचीन इमामबाड़े को गिरा कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने वालों पर की कार्यवाही और डीएम बरेली को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को फैक्स कर इमामबाड़े की जानकारी दी। बरेली के किला स्थित प्राचीन इमामबाड़ा गिराने वालों के खिलाफ दर्ज कराए FIR। 1 मुहर्रम से गिराया जा रहा था इमामबाड़ा। मौलाना सैयद नजफी बरेली ने की थी मोहसिन रजा से शिकायत। मुतवली जमीर रजा उर्फ बॉबी और बोर्ड कर्मी की मिलीभगत से 1 मुहर्रम से लगातार टूटता रहा इमामबाड़ा, किसी ने नहीं ली खबर। मोहसिन रजा ने जिलाधिकारी बरेली और SSP बरेली से वार्ता करके दिए कार्यवाही के निर्देश। निर्देश के बाद जिला प्रशासन पहुंचा इमामबाड़ा। किला बरेली में स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंचे की कार्यवाही। लखनऊ की रहने वाली हुमा जैदी और उनके पति डॉक्टर ताहिर जैदी लखनऊ के बिल्डर नदीम जैदी के साथ मिलकर गिरा रहे थे इमामबाड़ा। नेशनल हेड आसिफ हैदर आबदी की रिपोर्ट। तमाम मोमिन को मैं कुछ पैगाम देना चाह रहा हूँ इमामबाड़े के सिलसिले से कि देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है, इमाम ज़माना का साया है हम सब मोमिन पर कि आज इमामबाड़े का काम रुक चुका है और हमेशा के लिए रुक गया है इंशाल्लाह। और मंडे को भी इंशाल्लाह FIR भी हो जाएगी इन लोगों के खिलाफ। कभी इमामबाड़ा टूटेगा नहीं, यहाँ इमामबाड़ा ही इमामबाड़ा ही रहेगा, यहाँ आज़ादारी ही होगी, कोई कॉम्प्लेक्स और मॉल नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले दिल्ली गया था, नेशनल माइनॉरिटी के जो चेयरमैन इकबाल लाल जी पूरा जी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सेंट्रल के आला अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे गवर्नमेंट यूपी की सरकार यूपी के गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। खुसूसन मोहसिन रजा साहब जो कल्याण मंत्री हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत उनकी भूमिका रही। और अली जैदी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन्होंने भी मुझे शुक्रिया अदा किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया था और आपने भी शुक्रिया किया है, आपने भी मेरा बहुत साथ दिया इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम ऐसे ही काम करेंगे औकाफ के ऊपर यूपी के हर जगह। देखिए, अभी आज मैंने 23 तारीख के इसमें मैंने ये नेशनल कमीशन के जो चेयरमैन लालजी पूरा उनको मैंने दिया था, ये उन्होंने रिसीविंग दी थी, जो इस पेपर के ऊपर उन्होंने ये लिख दिया था कि अभी चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया जा रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही धन्यवाद कि आपने हमारा साथ बहुत दिया। भारत सरकार का मैं खुल के मैं बोल रहा हूँ कि बहुत साथ दिया, BJP सरकार हमारे सपोर्ट में है और हमारा बहुत सहयोग कर रही है और ख़ास बरेली के TM साहब भी हमारा बहुत हमारे आदेश को हमारे एप्लीकेशन को कबूल किया और उन्होंने सारे काम को रुकवाया। जो 25 तारीख की डेट में DM ने कल की डेट में ये पेपर इशू किया है, जो इन्होंने आदेश दिया है नगर निगम में, जो हुमा जैदी ने जो दिया था एप्लीकेशन के गुमराह मिसगाइड कर रही थी उनके पेपर को, उनके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है कि ये उनकी जाती नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड का इमामबाड़ा है, वक्फ बोर्ड है। और मैंने जो आपको सब दिखा दूँ, ये मैंने कल्याण मंत्री मोहसिन रजा साहब को ये एप्लीकेशन दी थी, सबकी शिकायत दर्ज की थी, जो इस शिकायत के ऊपर सारे मंत्रियों को मोहसिन रजा साहब ने मेल किया है और सारे मंत्री यूपी के सारे सरकारी अधिकारी और सेंट्रल के सारे अधिकारियों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया और हमारा साथ दिया है, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज सुबह मैंने किला मंडी का जो थाना है जो कोठी के सामने, उस थाना में मैंने रिपोर्ट दी है, शिकायत की है, तो उसकी रसीद भी मुझे इन्होंने दिया है और फौरन ही उसके बाद कार्रवाई की गई और वहाँ पे सारे पुलिस कर्मचारी वहाँ पहुँच कर बंद कराया काम को। वस्सलाम।